आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो है। ये बार बार जैसे सारे शो आते हैं, हर साल आते हैं, ये वैसा शो नहीं है। 3 साल 2 साल के बाद एक बार आता है। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि नच बलिए में इस बार हम लोग भी डांस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी छोटे मोटे लगती हैं लेकिन मज़ा बहुत आता है, क्यों नहीं? यस, बहुत मज़ा आया। शो एकदम फन है, अच्छा शो है और सबसे पसंद है, सब परिवार पसंद है, बच्चों लोग भी मज़ा आया और बड़ा लोग भी मज़ा आया। तो एवरीबॉडी, यस, सो वी आर हैप्पी टू बी इन द शो, वेरी वेरी हैप्पी। हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, वो लोग हम सबको सिखाते हैं। वो कोरियोग्राफर्स इतने अच्छे हैं कि आई कांट टेल यू। हमारे हार्दिक और आकाश ने जान लड़ा दी हमारे अंदर, मुझे नचा दिया, इससे ज़्यादा क्या करा सकते। बहुत मज़ा आया। भैया अच्छा और स्वीट लोग हैं और सब दोस्त हैं। एब्सोल्युटली, हम सारे सब के सब मेरे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग एक शो है जिसमें सारे के सारे साथ पार्ट ले रहे हैं, तो इट्स सो मच फन, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। हम सब चाहते हैं कि ये शो हमारी फैमिली के जैसा हो चुका है। अभी तक कॉम्पिटिशन और फाइट्स नहीं आ रही, सिर्फ मज़ा आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। पूरी सी गानी आई थिंक देयर आर फ्यू कपल्स व्हिच आर रियली गुड एंड फ्यू व्हिच मे बी इट्स अनप्रेडिक्टेबल शो, सो इन द फर्स्ट डांस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हु इज बेटर, बिकॉज़ नेक्स्ट डांस इट विल बी बेटर एंड यू नो इट्स अनप्रेडिक्टेबल टू नो नाउ। ये शो सिर्फ डांस के बारे में नहीं है, नच बलिए इज नॉट ओनली डांस, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, ये अलग ही शो है। तो यहां सारे के सारे कपल्स में एक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, एक ठीक ठाक है, ऐसे ऐसे है कपल। तो शांतनु फैंटास्टिक है, बहुत सारे, फैजल बहुत अच्छा है, सब लोग, सबने बहुत अच्छा डांस किया। प्रोफेशनल डांसर्स, यस, बट व्हेन यू सी द कपल लाइक द केमिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट एंड डांस ऑल टुगेदर, इट्स वेरी हार्ड टू से। ये शो कौन जीतेगा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ऐसा शो है ये। देखो सलमान सर तो उनको बिलीव नहीं हो रहा कि मैं नाचने वाला हूँ, और उनको बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ये मिल चुका है। सलमान भाई भी शॉक्ड हैं, बट देखो हमने सलमान भाई के साथ बहुत पिक्चरें की हैं, बहुत साथ में डांस किया है, गर्ल पिक्चर में बहुत हम लोगों ने रातों में डांस किया, तो बहुत मज़ा आता है। एंड वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के भाई हैं, तो सलमान देखो सलमान खान टीवी में आए हैं, आपको समझना पड़ेगा वो बॉलीवुड के शहनशाह तो है ही हैं, अब टीवी के भी शहनशाह बन चुके हैं। जो सलमान खान शो करते हैं वो सुपर हिट वैसे ही होता है, पब्लिक सलमान से बहुत प्यार करती है। तो नच बलिए फर्स्ट एपिसोड में इतनी ज़्यादा टीहर भी आई है, मुझे लगता है बढ़ती जाएगी, बिकॉज द शो इज़ मेड विद ऑल हार्ट। बानी जे, स्टार प्लस, सलमान भाई, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हम लोग की किस्मत अच्छी है, हम भी आए हैं। देखो हम लोग बहुत अच्छा थे फर्स्ट एपिसोड के बाद, रिस्पॉन्स कैसा फैंस के साथ। दीना का इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लोग फॉलो पे फॉलो मारते जा रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियसली सबको बहुत मज़ा आ रहा है ये शो देख के। इट लुक्स लाइक एवरीबॉडी इज वाचिंग द शो, आई टेल यू, सी द रिस्पांस, सो मेनी पीपल वॉच, पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, हमने नच बलिए देखा है। तो दैट्स द फैमिली शो, सारे के सारे बैठ के अपना परिवार के साथ ये शो देख सकते हैं। और आज जो हमने झिंगाट पे डांस किया है वो तो कुछ अलग ही है, दो दो गाने, दो परफॉर्मेंस हुई, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग सब भी आई होप ये शो एंजॉय करें। हाय, यार वो चक्कर क्या है कि एक ज़माने में मेरे पास हक था कि मैं बोल सकता था जल्दी तैयार हो जाओ, अब वो हक है नहीं, तो अभी वो तैयार हो रही हैं, आराम से आ रही हैं, तो मैं पहले आ गया। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मेन आर इजी टू गेट रेडी इन दिस लीव ऑन टाइम, बट आई थिंक रिहर्सल्स पे जब वो आएंगी, जब आप उनसे सवाल करेंगे ना, मुझे पक्का डेफिनेटली पता है कि वो ये कहेंगी कि रिहर्सल्स में ये हमेशा लेट होता है, तो आज वो लेट है, तो आई एक्सपेक्ट इट। लास्ट टाइम लास्ट पार्टी में आई थिंक शी वॉज बिफोर टाइम और मैं लेट आया था, तो इस बार जस्ट फॉर अ चेंज कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रही है, आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग, कुछ चीज़ें जो मैं शायद पहले मैं हमेशा से लेट आता हूँ, तो कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं, शायद आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, सो मे बी दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव, कुड बी दैट।
सी मेरे लिए द मेजर थिंग इज दैट बीइंग समबडी, इसके लिए पहली परफॉर्मेंस थी जो ऑन स्टेज थी एज अ नॉन डांसर है. मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया ही नहीं ऐसा कुछ, और कोई मुझे जज करे कि मैं नंबर्स दे मुझे, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं. तो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं, क्या हो रहा है. बट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ हैज बीन फैबुलस फॉर द रीजन कि इट्स लाइक कैसे कोयले से डायमंड बनता है. तो अभी घिसाई पिटाई हो रही है मेरी अच्छे से, लेट्स सी कहाँ तक मैं खींचता हूँ उसको. बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाई फाइव और इंस्टेड ऑफ विनिंग द शो, दैट्स डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफकोर्स ऑलवेज देयर, बट इंस्टेड ऑफ विनिंग द शो मेजरली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ टू बी एक्नॉलेज्ड एज अ डांसर. तो मैंने एज अ होस्ट किया, एज एन एक्टर किया, फिल्म की हैं, वेब सीरीज की हैं, टी वी शोज किए हैं, और कुछ एक शो प्रोड्यूस भी किया है. सो डन ऑल ऑफ इट, आई वॉन्ट टू ट्राई डूइंग बींग ए डांसर एज वेल, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम में ये भी डाल सकूँ एक्टर परफॉर्मर एंड डांसर. तो वो एक एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे शो से मिल सके आई बी वेरी हैप्पी. एंड सो फार आई बीन रियली थैंकफुल टू स्टार एंड वेरी थैंकफुल टू बानी जे. इट्स यू नो इट्स ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस इन द स्टार्ट, गेट योर स्पेस राइट सही जगह पे. And then you just love the journey. I love people all them. Now, when you know each other now, you know the each other's element, kaise hain log, kya hai. To bahut maza aa raha hai. It's fun. Mushkil ye bhi hai ki ex ke saath dance kar raha hai. Aur aasani ye bhi hai ki ex ke saath dance kar raha hai. Apni girlfriend ke saath nahi kar raha. To dono cheeze hai. Dono ek hi mein. See, everybody has flaws, everybody has got the good points. अब ये बात है कि हमने कभी डांस किया नहीं था साथ में, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को जानते हैं being an ex, so it's easier to know the equation की क्या है. But yes, in the start ये भी होता है कि भाई ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये तेरी. और मैं सोचता हूँ मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हुआ, मैं नहीं सुनूंगा. तो वो भी एक है. सो बट एट द एंड वी आर समवेयर, वी कम टू अ पॉइंट कि ठीक है यार, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. जहाँ दो चार बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ें आती हैं. तो हमारी आवाज़ें बहुत अभी आएंगी अगले आने वाले हफ्तों में, बहुत आवाज़ें आने वाली हैं. सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड जर्नी, आई एम होपिंग. वेल लास्टली ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखो सर, मैं यहाँ पर पहली बार एक रियलिटी शो कर रहा हूँ, और मुझे पता है टेलीविज़न पर मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है. अब बहुत सालों के बाद एक टेलीविज़न के ऊपर फिर से मैं आ रहा हूँ और रियलिटी शो में आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे आ रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उर्वशी को स्टार प्लस के ही सा परिवार अवार्ड्स में मिला था. सो स्टार हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टारी फीलिंग टू मी. सो आई थिंक दिस जर्नी शुड डू वेल एंड गो वेल, विच इज़ कैन ओनली बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है और लोगों को मुझे प्यार दिखाना है टाइप करके. और उरुज हमारा हैशटैग है जिसमें आपको टाइप करना है, तो वो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा. मैंने कभी इससे पहले किसी से सपोर्ट मांगा ही नहीं है, मैंने कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मैंने शो नहीं किया. बट इस बार मांग रहा हूँ, लेट्स सी फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम पीपल टू शो मी दैट लव. पे इतना बड़ा हिट होगा सोचा तो नहीं था, लेकिन मेहनत उस जरिए किए थी ज़रूर. तो बहुत खुश हूँ कि सबकी मेहनत और सबकी सिंसियरिटी और दिल से जो सबने काम किया है वो आज रंग ला रहा है. तो उसके लिए मैं पूरी टीम नजबलिए की ही नहीं, लेकिन मैं हमारी ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन जब तक वो परखे नहीं और वो अप्रिशिएट नहीं करें तब तक कोई भी चीज़ हिट नहीं होती, चाहे वो शोज़ हो या हमारी फिल्में हो. तो इसलिए मैं पूरी ऑडियंस को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग जानते हैं, अभी वो पुराने ज़माने नहीं रहे जहाँ कोई सब लोग अपनी छुपा के अपनी लाइफ जीते हैं. आई थिंक एवरीवन्स लाइफ इज़ एन ओपन बुक, एंड आई थिंक उसमें कोई छुपाने वाली बातें नहीं होती हैं. एंड आई थिंक जिस स्पिरिट से और जिस फ्रेंडशिप से और जिस तरीके से हमारे कपल्स हैं यहाँ पे शो पे, चाहे वो एक्सेस हो या साथ में हो, उनकी एक बॉन्डिंग दिखती है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखता है, और वो बहुत दिल को छू जाने वाली बात है. आई थिंक मुश्किल होता है, क्योंकि
एज एन आर्टिस्ट हम खुद इतने क्रिटिसिज्म से गुजरते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के क्रिटिक्स हों या आजकल वेबसाइट्स के क्रिटिक्स हों, दो सेकंड के अंदर वो कभी कभी इतनी बुरी तरह इंसल्टिंग टोन में क्रिटिसाइज करते हैं, तो आई थिंक वो नज़रअंदाज रखते हुए हम लोग समझते हैं कि वो आर्टिस्ट इतनी मेहनत के बाद उसकी फीलिंग्स क्या हैं, और उन फीलिंग्स को हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते, ज़्यादातर जो क्रिटिक्स नहीं सोचते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत तो सब करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस सब देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, बट आई थिंक उसको मन में जहन में रखते हुए हम एज अ जज कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ये नहीं कि उनको इंसल्ट करें और उनको बिरेट करें, जो कि एक्चुअली वे वाकई में काफ़ी न्यूज़पेपर्स जब कभी कभी खोलो, रिव्यूज़ पढ़ो, तो इतने क्रूएल, इतने क्रूर होते हैं कि लगता है यार जैसे कि यू नो दिल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जहन में रखते हुए मैं तो अपनी जजिंग उस तरीके से करती हूँ कि लोग मोटिवेट हों, इनकरेज हों और ज़्यादा बेहतर फिर नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दे पाएँ। यू नो जब आई थिंक जब हम लोग यंग थे तो मुझे उनकी इतनी मस्ती अंदाज मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन नाउ एज वी ग्रोन अप टुगेदर और इतने साल बीत गए, जैसे सलमान मजाक में बोलता है मैं तो 120 साल से जाता हूँ, मुझे लगता है मैं 120 साल से जाता हूँ तुझे, तो मैं अभी उस पर हावी हो जाती हूँ, तो जैसे कि आपने देखा मैं उसको हर चीज़ पर पकड़ लेती हूँ और बेचारा बहुत स्पोर्टिंगली ले लेता है। आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ फ्रेंड्स फ्रेंड एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट इन ईयर्स। Some people are just like that, you know, they are very good friends and I think he as a person is, once he really respects you or he likes you, he'll go the complete, you know, the complete 9 yards to do anything for you, the complete 9 miles to do anything for you. आई थिंक दो कपल्स ने जो बहुत ही प्लीज़ किया हम लोग को और हम लोग बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि ये बिल्कुल उनके फील्ड का नहीं है, एक तो थे विंदु पाजी और डीना और दूसरे विवेक और बबीता, विवेक सुहाग एंड बबीता फोगट। बबीता फोगट तो रही हमारी देश की बहुत ही चहेती एथलीट, बहुत ही नाम रोशन किया है हमारे देश का उन्होंने हर बार, तो मैं समझती हूँ जिस तरीके के वो आई हैं और जिस तरीके से बेचारे विवेक को भी परफॉर्मेंस कराए उन्होंने, आई थिंक बहुत ही मज़ेदार था। सो दीज आर पीपल टू लुक आउट फॉर एंड आई थिंक नजबलिए का आई थिंक जो मेन आई थिंक प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि हम सब परफॉर्मर्स और सब आर्टिस्ट और सब डांसर्स को लेके आएँ बस आपको अभी डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वी गॉट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई बैंकर हैं तो कोई एथलीट हैं तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो कोई यू नो हाउसवाइफ हैं जो कभी अपने हस्बैंड की शूटिंग पे भी नहीं गई एंड दे आर कमिंग आउट एंड परफॉर्मिंग। सो आई थिंक ये एक यू नो एक मास लेवल पे काफ़ी लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और हम उस पर नहीं पकड़ते कि आपकी टेक्निकल ये स्टेप आपका रॉन्ग हुआ वो स्टेप रॉन्ग हुआ, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। इट्स ऑल इन द स्पिरिट्स, इट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई थिंक। That is good. Thank you so much everybody. Thank you for everything. बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमसे ज़्यादा TRP आ गई। जब नजमली 8 में थे तब इतनी नहीं आई थी, बट दिखता है मेहनत, क्योंकि ये इस बार का जो सीज़न है बहुत ग्रैंड दिख रहा है। पहले तो मैं बोलूँगी कॉस्ट्यूम और लुक बहुत ही ग्रैंड है, ऐसे लग रहा है ब्रॉडवे देख रहे हैं, और बहुत मतलब बारीकी से काम किया है केन ने ना, केन जो भी हमारे पंजाबियों को तो केन ही हुआ, कैन ने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मसाला ये है कि प्रेजेंट वाले भी हैं और एक्स वाले भी, तो अगर हमारा और मेरा अर्श का नहीं रहता तो शायद एक्स में हम फिर से पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना, लेकिन ये पैसे गए हाथ से, कोई बात नहीं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो बोली है आपने, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी। अरे अरे सॉरी, मतलब जो ओवरऑल डांस है कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि शायद पुनीत ने की है, वो तुमने की है ना? हाँ, मैंने की, इन्होंने की है। और बस बातें खत्म हो गई, नमस्ते और थैंक यू, देखते रहिए खतरा खतरा खतरा। फेवरेट मेरे बहुत सारे, मैंने पोस्ट भी किया था कि एक नहीं बहुत सारे हैं, अनीता है, अली है और प्रिंस है, फिर बिंदु जी है। बिंदु जी मुझे लगता है मेरे और हर्ष वाला ही हाल होने वाला है, क्योंकि थोड़े पंजाबी जो होते हैं डांस में थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जैसे ही दो पैग अंदर जाते हैं हमारा अपना ही शुरू हो जाता है, और ये साबित कर दिया है गुजराती भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में मैंने हर्ष को कैसे नचाया मुझे ही पता है ना।
मैंने हाथ जोड़ लिया उसके बाद मैं कभी नहीं नाचा। पाजी थोड़ा हुनी नाम लिता मैं, लेकिन बहुत अच्छा, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हो मेरे में आप मेरी तरफ रहो, इसमें मुझे लगता है डांस नहीं, जो आपस की केमिस्ट्री है वो देखनी चाहिए कि आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना मतलब एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये जो शो है इसमें कपल्स की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि तू ठीक से ना पढ़ना, तू हाथ क्यों मरोड़ रहा है, कसके क्यों पकड़ रहा है, तो ढीला तो बहुत, हमारे भी बहुत झगड़े हुए, मतलब शायद इस शो से हमारा ब्रेकअप भी हो जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी हूँ, मैंने बहुत पेशेंस रखे और मैंने जो लकड़ी को डांस करवाया है ना, मतलब बीच में ना कभी कभी हर्ष रिहर्सल छोड़ के चला जाता था कि मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैं जब बोलती थी पर एपिसोड इतना मिल रहा है, फिर वो गुजराती दिमाग वापस आ जाता, धंधो छे धंधो, तो फिर हमने कर लिया है ना लिया। लेकिन बहुत मज़ा आया, ये बहुत प्यारा शो है और इसमें आपस में कपल की झगड़े ही बहुत होते लेकिन प्यार भी बहुत बढ़ता है। सो गाइस जितने भी बस इतना इतने लंबे उनके सवाल नहीं थे बेटा, मैं इतना बोल रही हूँ कि जैसे सवाल पूछा एक सवाल नहीं, यही अच्छा आप भी हो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहेगा, बिकॉज मैं पूरे सीजन में आई विल बी सुपरवाइजिंग द एंटायर शो, तो ओपनिंग में तो कोरियोग्राफी में डांसर्स थे, अभी एक्चुअल इनके साथ काम करके पता चल रहा है कौन कितना पानी में है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि नच बलिए में नच पहले आएगा कि बलिए पहले आएगा, कभी डांसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कभी उनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट में देखें तो बिंदु जी एंड डीना, आई थिंक दे आर फैबुलस, दे आर ऑलवेज हैप्पी, सबसे अच्छे डांसर की बात नहीं है यहाँ पे, कौन कितना खुश है, एंड दे सही मायने में अगर मेरा ब्रांड का बात करो तो एनीबॉडी के डांस में एक्चुअली ABCD में राइट होते हैं बिंदु जी, एंड शांतनु एंड फैजल दोनों आते हैं डांस बैकग्राउंड से, तो उनको तो मैं सपोर्ट करूंगा ही, ओवरऑल सब बाकी सब, एंड इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ दिस इज दिस शो, तो कौन कितना ग्रो होगा उसके ऊपर पर्सनल रहेगा। उन्होंने पैसे दिए वो प्रोड्यूसर बन गए, एक बड़ा शो, दो ही बड़े शो और दो बड़े प्रोड्यूसर है, एक है खतरा 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 के प्रोड्यूसर इधर और एक है सलमान खान, और हर्ष को बड़ी खुशी होती कि सलमान के साथ कि इस साल दो प्रोड्यूसर बने हैं सलमान खान और हर्ष दीपाजिया, तो इनको बड़ी खुशी होती है, लेकिन सलमान को शायद पता ही नहीं कि ये बने हैं, इनको पता है वो बने, लेकिन बहुत मज़ा आता है। पुनीत के साथ तो हम एवरी डे इसकी डेट पूछते रहते हैं, भाई तेरी डेट है खतरा खतरा के लिए, ये देते ही नहीं है, जब भी पुनीत भाई अवेलेबल है वो हमारे शूट पे ही होते हैं, ओ माय गॉड पंजाबी। खैर अभी जो स्टार के PR उनको गुस्सा आ रहा है कि खतरा खतरा के बीच में बातें हो रही हैं, तो मतलब आप देखते रहिए नच बलिए सैटरडे संडे 8 से 8 बजे और खतरा खतरा मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू गाइस, इट्स अमेजिंग, एक्चुअली नच बलिए में साइन करने का वजह की थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो भी 4 महीने तक, देखो मैं 4 महीने बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचता फिनाले हूँ, 4 महीने हम एक साथ काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एपिसोडिक किए हैं या फिर हमने ऐसे कभी काम नहीं किया, तो शुरुआत अच्छी रही है, लाइफ में नहीं रही, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे ब्रदर को लेकर, बट आई होप हम अच्छा कम बैक कर रहे हैं अभी वापस कि हम उतनी, मैंने बोला जर्नी इस बार मेरे भाई के नाम है, हम मेरे भाई के और मैं यूवी के साथ खेला जाता हूँ कि हम जीते तो एक उसके नाम पर कुछ याद हो, सो ये ट्रॉफी तो हम लेकर। बिल्कुल सर, मैं अपने एक्स से आ नहीं सकता क्योंकि मेरे को मेरी एक्सेस याद नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरी प्रेजेंट, मेरी 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 पास्ट, मेरी प्रेजेंट, मेरी फ्यूचर मेरे साथ है। सो जी बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन 2 वीक्स रोडीज का टाइटल सॉन्ग है वो एंथम है, तो वो रिवील हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पेज पे, सो आप सबको बहुत पसंद आने वाला क्योंकि सभी रोडीज उसके अंदर हैं, सो उनके लिए मैंने गाना बनाया। एक्चुअली हमने सिर्फ यही नहीं किया था, एक्चुअली बाकी सब कर लिया था, तो मुझे लगा था मैं डांस कभी नहीं करूँगा, बट वो भी हो गया, एंड वो इतना प्यार करते हैं हमें कि हम कुछ भी करें वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अभी तक हम लोग सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे होते थे, वो उतना ही देख पाते थे, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नच बलिए में हम लोग, वो हमें रिहर्सल करते हुए देखेंगे, टूटते फूटते हुए देखेंगे, प्यार करते हुए, चिड़चिड़ापन लड़ते हुए, हर वो रूप देखने, एवरीथिंग गोना बी जो नॉर्मल लाइफ में होता है, सो आई थिंक इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है, और ये गिफ्ट हमारे फैंस लोगों के लिए है स्पेशली, ताकि वो हम दोनों को फाइनली साथ में एक रियलिटी शो में अच्छे से देख पाए। डांस
ये मत पूछो कि कैसा लगता है। अब मेरे तो दोस्त में ऐसा लग चुका कि इतना तो मैंने किसी शो में फिनाले तक मेहनत नहीं करी होगी, ये दो वीक में कर दिया मैंने। हड्डी पसली एक हो चुकी है, मतलब कभी कहीं इंजरी होती है क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग करते थे, इतने स्टिफ है, हमें मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरा जो बुलेखा था शादी से पहले कि मेरी बीवी बहुत अच्छी डांसर है, वो भी हट गया क्योंकि ये भी मेरे जैसी है। सो होने वाला इसलिए हमारी शादी है, हम एक जैसे हैं। हर शो का एक अलग तरीका होता है खेलने का। इसमें बेसिकली वही है जो तुम रियलिटी में तुम क्या हो, और तुम इट्स नॉट अबाउट बेस्ट डांसर, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट डांसर, इट्स अबाउट कि तुम जो जिसके साथ आए हो, तो तुम्हारा कपल है, जो तुम्हारी बल्ली है, तुम उसके साथ कैसे हो, यू नो तुम्हारी लाइफ कैसे है। डांस इट्स ओके, अगर डांस पे पूरा बेस होता तो आई थिंक हम किसी और रियलिटी शो में होते, इधर नहीं होते, क्योंकि मुझे उतना तो आता ही नहीं है ना यूवी को आता है। बट इट्स अबाउट कि तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है, तुम दोनों एक साथ कैसे हो, अपने आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो। 100% भाई, 100%, क्योंकि मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने भरोसा नहीं है, मुझे मेरे प्यार करने वाला भरोसा है। प्रिंस एंड युविका, हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से है। दैट इज ट्रू, थैंक यू। जी जी, मैं खुद था फर्स्ट एपिसोड में, तो ऑफ कोर्स मैंने देखा, और जैसा कि सब जानते ही हैं मैं कितना कमाल का डांस करता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैंने देखा, एंड मेरे काफ़ी फेवरेट लोग इस बार नच बलिए से जुड़े हुए हैं। कीत जो हैं, जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया, मनीष ऑफ कोर्स होस्ट कर रहा है, और अनिल को मैं आई थिंक आज 10-12 सालों से जानता हूँ, तो ऑफ कोर्स इन सब लोगों के लिए देखना ही था। मुझे बबीता फोगाट, जी जी, सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ उन्होंने किया मुझे, और मैं बहुत खुश हुआ उन्हें देख के, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ और उनकी गेम्स, उनका उनके टूर्नामेंट्स मैंने फॉलो भी किए हैं, तो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग पैकेज टू। जी 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 जी, खतरनाक खतरनाक है, एक्स एंड प्रेजेंट, आई मीन वाव, यस। जी जी, मैं तो हमेशा से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही ये शोज़ बनते हैं, और हम लोग जो भी करते हैं वो करते हैं, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ देखते रहिए, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल विल बी एंटरटेन्ड। डन, विजुअल, मैं इतने सारे माइक्स देख के ही डर जाती हूँ। क्वेश्चंस एक मतलब सबने सोच के रखे कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना है ना? ओके, ओके, तो शुरू करें। हाँ हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बहुत ही अच्छी शुरुआत और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन, थैंक यू। एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज़ को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसका मतलब साफ है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, लव किया जा रहा है, और ये तीनों चीज़ें सबको पसंद हैं और सबको भाती हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्टार प्लस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बानी जी प्रोडक्शंस, SKTV, एंड नॉट यू, एंड हिम एक्चुअली, एंड हिम, बिकॉज इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कोऑर्डिनेशन इतना रहता है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी में एक जैसे कपड़े डाल के आएंगे, इतना कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन, पहली परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन है, एंड दे आल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो एक मिरर हमने किया था एफेक्ट बीच में, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सो दैट्स व्हाट अहमद खान ही सेड। हां हां बिल्कुल, यार ये हुआ था, तो देख के आई हूं शो भी करते हैं। हां मैं देख कर आई हूं, नहीं नहीं, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स नहीं होते हैं, बट कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि स्टेप्स वो आता है हमें, एंड देन सडनली जब हम करने जाते हैं तब नहीं आता है, तो ऑब्वियसली कभी मेरा पैर इनके ऊपर चला गया, इनका पैर मेरे ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मोमेंट आता है जहाँ पे लाइक क्या, लाइक यू नो, लाइक क्या हो रहा है यार, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, बट इट्स जस्ट द मोमेंट। आपको क्या लगा, अनकंफर्टेबल कुछ नहीं हमारे लिए, गर्मी में हमने इतने पूरे कपड़े क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत निशान लगे हुए हैं। हाँ, मैं बता सकती हूँ, बहुत जगह बैंडेड लगी हुई है, बहुत सारी जगह पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो हम पूरे ढके दोनों का योगदान है।
नहीं, आई वुडन से मुश्किल हो रहा है, बट आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट कि इन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया है, बट ऐसा कोई शो नहीं किया, ना मैंने किया, बट मैंने परफॉर्मेंसेस पहले काफ़ी की है. अकेले परफॉर्मेंस करना और पार्टनर के साथ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वही मैंने कहा कि जहाँ तक अब तक मुझे लगता था कि आता है डांस, सडनली मुझे लगता है कि फिर से सीख रही हूँ. बट नहीं, आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज़ डन अ फैब जॉब. ये बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, डांट भी बहुत खाते हैं. मैं तो हुई, मेरा वजन हमारी कोरियोग्राफर्स, हमारी दो फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे भी. तो ये सारा संगठन है, ये मिलीजुली संगठन. नहीं नहीं, बट इसका आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट और आउटकम कितना अच्छा होता है. सो संगठन से मतलब वही बात है, कोयले को घिसते रहो घिसते रहो. बिग पैट ऑन योर बैक. उसके बाद ये पैट, ये पैट, ही इज डन अ ग्रेट जॉब. ना देखिए, पहला एपिसोड है. कौन सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है? इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, आई थिंक मधुरिमा एंड विशाल सरप्राइज्ड मी द मोस्ट. उनकी हिस्ट्री को जानते हुए आई थिंक दे वर द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी. आपका मुझे नहीं, आई गो विद द सेम ओपिनियन बिकॉज दे परफॉर्म सो ब्यूटिफुली एंड सो वेल. मैं आपको बता नहीं सकता. ऑफ कोर्स यार, यू नो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है. दो दोस्त होते हैं, दोस्तों में झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद ठीक है कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, इवेंचुअली तो फ़ोन करके बोलेंगे क्या यार चलना यार छोड़ना, बोलते ही है ना. तो जब वो चीज़ हम बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम रिलेशनशिप्स पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्यों एक वो एक टैबू है, क्यों एक रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक्सेस दोस्त नहीं हो सकते हैं? हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम 4 साल रिलेशनशिप में थे, 5 साल हो गया ब्रेकअप को. आज भी आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई बैर है? नहीं है. आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि इसी बात पे कि कुछ लोग जो साथ में हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और कुछ लोग जिनकी शादी हुई है, मे बी क्या इक्वेशन है एट दिस पॉइंट जहाँ पर हम हैं. द इक्वेशन एज ही है, शायद समवेयर वी हैव डेल्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोजिशंस, कंपेनियन, लवर, फ्रेंड, 2 AM फ्रेंड, 3 AM फ्रेंड, ऑलवेज बीन देयर. फाइट भी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वही बात जैसे कि हमेशा नहीं. आई डोंट थिंक सो किसी रिलेशनशिप को नाम, अगर आप ना, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, नाम मत दीजिए किसी रिलेशनशिप को, ठीक है ना. हम एक्स एक्स भी बोलते हैं, मत बोलिए, क्योंकि हम एक साथ हैं इस वक्त. तो बेटर है कि इस चीज़ को नाम ना दिया जाए. एंड आई लव यू टू विशाल. आई थिंक ये मैंटेलिटी है, और ये मैंटेलिटी को आई थिंक अब ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अब ज़माना बदल रहा है. एक आई थिंक ये पहले भी नहीं था. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 70s 80s पीपल वर वेरी ब्रॉड माइंडेड. थोड़ा सा एक दौर आया बीच में 90s के टाइम पे जहाँ पीपल स्टॉप बींग ब्रॉड माइंडेड. आई थिंक ये स्टेटमेंट विशाल कह सकता है क्या? ये लवर्स कांट बी फ्रेंड्स. कीप क्वाइट. उसे बोला है? उसे बोला है? फैमिलीज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और जब हमारे बीच में कोई बैर नहीं है तो फैमिलीज के बीच में क्यों बैर होगा? आई मीन टू से फैमिलीज उतनी अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम मुझे जहाँ तक मालूम है मेरी फैमिली तो जब से उन्होंने मतलब जब से मैं जो आप लोग सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो ही रहे हैं, तो आपको उसी से ब्रॉड माइंडेडनेस पता चलती है. और अनुज की फैमिली भी काफ़ी ओपन है. आप तो मैं मिल चुकी हूँ उनसे, मैं मिल चुकी हूँ. मैं इनकी मदर आई थी, इनकी नीस आई थी. हाँ तो मिल चुकी हूँ. इनफैक्ट मज़े की बात ये है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तब नहीं मिले, अब मिले. सो इट वॉज़ अ नाइस कॉर्डियल मीटिंग. इनके फादर ने मुझे मैसेज किया विशिंग मी गुड लक. पीपल हैव इवॉल्व्ड, और वही मैसेज देना चाहते हैं हम कि आप थोड़ा इवॉल्व कर लो मैच्योरिटी के साथ.
वही चीज है कि एक इक्वेशन एक टाइम पे ही होती थी कि लोग पेरेंट्स से ज़्यादा इस तरीके से फॉर्मल रहते थे कि बाप है, मदर है, बच्चे हैं, बट अब वो ऐसा नहीं रहता, अब उनको एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त रहना पड़ता है ताकि वो और जान सकें अपने बच्चों के बारे में. तो इक्वेशन लोगों की चेंज होती है एट द टाइम. सो आई थिंक ये वही हाल हो गया जब पेरेंट्स बोलते ना ना बच्चे झगड़ा नहीं करते. अभी वो आई थिंक दे आर सपोर्टिव विद एवरीथिंग. दे आर नॉट. वी वुड जस्ट लाइक टू से हम हैं, जैसे कि आज बोला गया उरुज. तो ये है अनुज, मैं हूँ उर्वशी, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट. एंड इसी तरह प्लीज़ हमें देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए. अब तक मुझे तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अभी अनुज को और मुझे साथ में सपोर्ट करें. थैंक यू. मैंने तो पहली बार ऐसे बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो. मैं कभी शो में आई नहीं, तो हम है वरना नहीं है. थैंक यू. हम भी अच्छे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है. अभी एपिसोड देखा तो रेसलिंग से कुछ अलग करके नच बोलिए के सेशन 9 में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डांस का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. स्टार्टिंग में जब हम आए थे हमें खुद नहीं पता था कि हम इतना अच्छा डांस परफॉर्म करने वाले हैं, और वो भी पहला हमारा डांस परफॉर्मेंस था और उसी में हमें हाई फाई मिला, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है. और सबसे बड़ी चीज़ कि सलमान जी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ में, तो उनसे भी मिलके एक हिम्मत मिलती है. और जब सरप्राइजिंग आमिर खान सर का भी मैसेज मिला हमें, तो उसके बाद तो हम मन में ऐसे हो गया कि अब तो मतलब रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है. कि आई थिंक डांस मुश्किल. देखिए जो चीज़ भी हमको अच्छी दिखती है, अच्छी चीज़ को दिखाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, चाहे वो रेसलिंग हो या डांस हो या पढ़ाई हो, जो भी चीज़ अच्छी दिखती है उसमें मेहनत होती है. नहीं हमने हमारी ये कोई डांस नहीं किया. हमने पहले हरियाणवी गाने में एक दो बार अपने हम डांसर भी नहीं है, और हम शादी में भी मतलब ये उंगली उठा के बस ऐसे ऐसे वाले डांसर हैं. हमसे कोई पूछता था यहाँ पे आने के बाद, और ये बीट के ऊपर डांस करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है. एक एक पल के लिए तो हमें ये लगा कि मुझे नहीं लगता कि हम इसके काबिल हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब दिल में ये ख्याल आते थे कि मुश्किल हो पाएगा. बट जैसे जैसे कोरियोग्राफर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत हम पे भरोसा किया और उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है. उन्होंने कब हमें रेसलिंग से डांस में ला दी हमें खुद नहीं पता चलने दिया. हम लोगों से पूछते थे जब हम जैसे मुंबई आए कि नच बोलिएगा भाई डांस का इतना बड़ा शो है, पूछते कि आप लोगों ने कभी डांस किया है. मैंने बोला नहीं, बोला बिल्कुल भी, जीरो भी नहीं आता. हमने बोला जीरो नहीं, हम 00 हैं डांस के मामले में, हमको बिल्कुल डांस नहीं आता. जी बिल्कुल, हमें भी चोटें लगी हैं. मुझे यहाँ मसल पुल हो गई थी रिब्स के जो नीचे होती है, बट जो जुनून हमारा रेसलिंग के अंदर था, जो एक चीज़ पाने की जो लालसा होती है, तो वो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर है. तो किसी भी चीज़ में हम हमेशा जीतने की वो रहती है कि जीतना है, टूटे फूटे जो भी हो बस जीतना है, बस आगे जाना है, अपना बेस्ट देना, बस यही दिमाग में रहती है हमेशा. देखिए कंपटीशन तो रेसलिंग हो या डांस हो, कंपटीशन सब में टफ होता है, और कंपटीशन हो तभी उस चीज़ में मज़ा आता है. बिल्कुल, जिस चीज़ में कंपटीशन से मज़ा आता है, सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं, हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे. बट हम लोग यहाँ पे नच बोलिए के शो में, इतना बड़ा डांस का शो है, रेसलिंग से कुछ अलग किया, तो हम लोगों का दिल जीत के जाने वाले हैं यहाँ से. सलमान सर ने जस्ट पूछा था हमारे से क्या आप कर पाओगे, हमने कहा कि हाँ सर. वही जुनून और वही जोश जो रेसलिंग के अंदर था वही यहाँ पे लेके आए हैं, और हम अपना बेस्ट देंगे. तो कहा कि हमें भी यही उम्मीद है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करते जाओ, और जो आपने
रेसलिंग में किया है, नच बलिए के शो पे भी वही करते हैं। सलमान सन का गाना है सुल्तान फिल्म का, उस पर डांस हुआ है, तो सलमान सन ने बताया, सलमान सन को लगेगा जो मेरे रेसलिंग के स्टेप्स थे उसमें डांस को कन्वर्ट कर दिया है, काफी अच्छा लगा सभी को। और ये भी सरप्राइजिंग था कि सुल्तान मूवी का सॉन्ग के ऊपर हम डांस किया है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए मतलब एक के बाद एक सरप्राइज हमारे लिए निकल के आ रहा है जी। थैंक यू। हेलो, कम ऑन, हाय, आई थिंक बहुत खुश हूँ बिकॉज अली और नताशा भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो लेकिन बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी एंड हेल्दी बात है कि अगर आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी दोस्त हैं एंड दोस्ती बरकरार रख सकते हैं, सो आई थिंक इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू गाइज रिलेशनशिप खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप नफरत करने लग जाए ना। मैं खुद आते नहीं जीत पाया, मैं क्या टिप्स दूँ किसी को यार। आज से दैट जितना भी हो जब डांस विथ योर डांस फ्रॉम योर हार्ट एंड आई थिंक जैसा एक बहुत पहले ना आई हैड हर्ड माधुरी जी सेइंग दैट डांस इज अबाउट 6 inches फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज वेयर यू डांस फ्रॉम एक्चुअली। सो आई सेड बस कॉन्फिडेंस इज ऑन द फेस नॉट द बॉडी। आई नो बट सी फैंस से मैं कभी दूर जा नहीं सकता ना ही कभी जाऊंगा, बिकॉज आई ऑलवेज सेड दैट मैं हूं क्योंकि वो हैं एंड हाँ ये है मोहब्बत छोड़ने का दुख है लेकिन इसी बात की खुशी भी है कि फिर मिलेंगे किसी और मंच पे किसी और जरिए, लेकिन आई थिंक पर्दा थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस बार, सो आई थिंक उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात होगी वापस से। तो ये आके यहाँ आके बोलते हैं तो बाकी लोग भी सुन लें। नहीं बट इंशाल्लाह आई थिंक अगर अगर ऊपर आने चाह तो जरूर ऐसा होगा एंड आई प्रॉब्ली सी व द मूवीज देन। थैंक यू। हाँ जी करने नहीं वाला हूँ, मतलब हम हिस्सा ले रहे हैं शो में जी। आप ये लीविंग सून फॉर खतरों के खिलाड़ी, तो जितना उसकी खुशी है उसे दुगना डर है। यहाँ बताऊँगा पता चले वो लोग वहाँ कर देंगे तो जस्ट किडिंग। आई थिंक डर सबसे बड़ा ये है कि शायद कोई स्टंट अगर ना कंप्लीट कर पाया उसका डर सबसे ज़्यादा है एंड इट्स द फियर ऑफ लूजिंग और प्रॉब्ली नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट व्हिच इज द बिगेस्ट फियर दैट आई हैव। थैंक यू। नच बलिए की पार्टी है, सक्सेस पार्टी है, जाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक देखा नहीं है क्योंकि मैं शूट कर रही थी, बट खबर तो आती है सेम सोचनेटी में, सब लोग बोल रहे हैं कि एकदम मतलब ड्रामा एंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ टीआरपी वाले मोमेंट्स हैं एपिसोड्स में और ऑल द बलीज आर वेरी गुड आई हर्ड एंड बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं आई थिंक एंड बहुत सारे अच्छे डांस एंड एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो ऑफकोर्स टीआरपीज एंड सक्सेस पार्टी तो बनती है obviously, so I'm very happy and I'm very glad, yeah, because I've been a part of Nach Baliye and I know the journey, I know it's a tough journey, but jo mazay aap lete ho while rehearsing, while being on the stage, that rush you get before the performance is mind-blowing, I love it. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जितने भी एक्स कपल्स आए हैं गत से भाई आप लोगों में टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन एंड यू नो इट इज इन अ वे डिफिकल्ट टू कम इन अ शो विच इज सो फेमस विथ योर एक्स, अगली फाइट हो या म्यूचुअल डिसीजन से ब्रेकअप हो गया हो, एक एक्स के साथ आना एंड वापस परफॉर्म करना, वापस वो इमोशंस लाना, वो टाइम स्पेंड करना मैं शायद ना कर पाऊँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्स कपल्स, आई एम श्योर दे आर डूइंग अ फैब जॉब। मैं अनीता और रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तो आई सपोर्ट देम, आई हैव हर्ड मधुरिमा एंड विशाला वेरी गुड, मैंने सुना है ऐसा,
बहुत ही पावरफुल पावर पैक्ड एक्ट परफॉर्म करते हैं एंड आई लव जो एक्स्ट्रा मेहनत करके पावरफुल परफॉर्म करे और स्टैंड आउट हो. सो सपोर्ट वाइज आई विल सपोर्ट रोहित एंड अनिता बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स एंड दिस इज व्हाट आई हर्ड दैट मधुरिमा एंड विशाला गुरु. आई थिंक अभी तो न्यूज में आ ही गया है. इन फ्यू डेज आई एम गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी. लेट मी टेल यू ऑल ऑफिशियली. सो आई एम काइंड ऑफ नर्वस एंड विश मी लक. हाँ करण पटेल. करण एंड आई गो लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक. आई मीन हम दोनों ने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में साथ में कदम रखा है. आई थिंक वो मेरे सीनियर है बट आई नो हिम सिंस दैट टाइम. तो अच्छा है खुश हुई मैं कि मेरे साथ कोई तो फ्रेंड है वहाँ बिकॉज आप इतना दूर जा रहे हो और कोई फ्रेंड ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा. सो करण है, अदा है, अमृता है. अंडर वाटर मेरे से नहीं होगा. तो मैं एक्चुअली ना आपको पता ही नहीं होता जब तक आप कोई चीज़ों को ना देखो आपको पता ही नहीं होता कि आप किस चीज़ से स्कैर्ड है. बट मुझे इतना पता है मैं अंडर वाटर से डर लगता है. टू ऑल द फैंस प्लीज सपोर्ट मी इन खतरों के खिलाड़ी. एंड आज हम लोग नचबली के सक्सेस पार्टी के लिए आए हैं तो आई एम विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ नचबली ऑल द वेरी बेस्ट. इधर भी हमारे दोस्त भी थे, काफ़ी नए लोगों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने ऑनेस्टली बहुत इन्जॉय किया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था. सबके कॉस्ट्यूम्स इतने ग्रैंड बने हुए थे. कैन ने एक बहुत लाजवाब काम किया है. अनिल सर ने मिलके सब टीम जो अपनी बाटी है बनाई है मेरे ख्याल से सब ने इतनी शिद्दत से काम किया है. इतना ज़्यादा मज़ा आया हमारे को फर्स्ट एपिसोड में. हम लोग सब बैठ के तालियाँ वे तालियाँ किए जा रहे थे और अब आगे डांस करना भी है. पता चल रहा है कि हड्डियाँ कहाँ हैं, पसली कहाँ है. डांस करने कहाँ देखा? ये खबर मुझे सच में कब आई मुझे समझ नहीं आ रहा. सब लोग बोलते रोशन बहुत अच्छा डांस करते हैं, कब देखा आप लोग मुझे? करती है. हाँ लेकिन मैं भी नॉन डांसर हूँ. एक्चुअली कोरियोग्राफी का जो डांस होता है वो अलग है. जो आप करते हैं नाइट क्लब में अपने शो में जो करते हैं वो छोटा मोटा होता है. इसमें आपके बॉडी पे बड़ा स्ट्रेन होता है, आपके माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. हम लोग डांसर नहीं हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसमें एक अलग मज़ा है. मेरे ख्याल से अभी सिक्स पैक भी आ गए हैं करके तो मज़ा बहुत आ रहा है. बहुत ज़्यादा इनका तो शोल्डर पूरा खराब हुआ. पहले हफ्ते में मेरा शोल्डर चला गया. उसके बाद पहला परफॉर्मेंस के लिए पूरा टेप था. हमारे जो फिजियो है हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए क्योंकि हर हफ्ते उनसे मुलाकात हो जाती है. सच में इट्स रियली डिफिकल्ट और मेंटली इमोशनली भी टफ है बिकॉज आपको सोना है घर में लेकिन आपको उठ के बाहर जाके वापस प्रैक्टिस करना है, वापस बेस्ट देना है. सो इट्स क्वाइट. लेकिन एक स्वीट जिसे कहते हैं पेन होता है, ग्रोथ होते हैं इंसान के लाइफ में. आप एक नई चीज़ सीखते हैं, एक नई कला सीखते हैं, एक नृत्य सीख रहे हैं आप, तो उसमें एक अलग मज़ा है. और बहुत रिस्पेक्ट सारे डांसर्स को, कोरियोग्राफर्स को जो हमारे टीम में हैं. और डेफिनेटली एक दूसरे के साथ भी नया एक्सपीरियंस है बिकॉज एक दूसरे को मोटिवेट करने को और ये रोमांटिक स्टेप्स करने को वो इट्स वेरी नाइस. आज भी हम स्टेज पे थे रिहर्सल के लिए और सब लोग बोल रहे और रोमांस करो और करो. सो इट्स नाइस आल्सो. वो फीलिंग तो अच्छा है. विशाल एंड मधुरिमा. विशाल और रोहित और अनीता का भी बहुत अच्छा है. प्रिंस और युविका का भी बहुत बढ़िया था. सरप्राइज आई थिंक उनका था. हाँ विशाल एंड मधुरिमा डेफिनेटली अ सरप्राइज क्योंकि उन लोगों का अनएक्सपेक्टेड था. एक्सेस से इतना केमिस्ट्री, इतना अच्छा मोमेंट्स, इट वाज रियली गुड. और रोहित का भी क्योंकि हम लोग सब अनीता देखते हैं लेकिन रोहित
अनीता से बढ़िया स्टार बनने वाले हैं अभी। हाँ वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। Thank you guys for making us number one for the first episode. Please keep watching, keep voting. We love you guys and we'll give it our best. और हम दोनों को आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, हमें आपने एक्चुअली रखा है हर शो में, तो जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप प्लीज़ हमें वोट भी कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आप नच बलिए ज़रूर देखिएगा स्टार प्लस पे, हम आपको एंटरटेन करना चाहेंगे, आप एंटरटेन ज़रूर होंगे, तो आप शो प्लीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए। एक्चुअली मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मेरा एक शूट था तो उस एपिसोड में मुझे जाना पड़ा, लेकिन इनकी बात होती रहती है कपल में भी, और मैं लकी हूँ, मेरा दोनों शो सलमान भाई के साथ ही है। ही ऑलवेज सेज वन थिंग, आप लोग एंटरटेन करो, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वो सब छोड़, घर में छोड़ और इधर आके एंजॉय करो, एंटरटेन करो, वैसे इतना एंटरटेन करते हैं तो इट्स अमेजिंग। थैंक यू। I loved it. The part of the first episode. हमने opening की थी, so बहुत अच्छा लगा, हमारा act भी हमें बहुत पसंद आया, सबके acts बहुत अच्छे लगे, और इस बार का जो concept है वो काफ़ी हटके है, बहुत मज़ा आएगा। हाँ मैंने काफ़ी हटके है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, ऐसा हमने कभी भी अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा था। अभी तो फर्स्ट वीक है, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके सो माय फ्रेंड्स आर देयर, श्रद्धा एंड आलम, दे आर देयर एंड शी इज़ माय फेवरेट, so they're my favorites, and Vishal is there, and वो ex जोड़ी है, वो Vishal थोड़ा टेढ़ा है, Vishal खतरनाक है, so Vishal बहुत ही entertaining है, and सारे contestants काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ couples बहुत funny हैं, कुछ dancer couples भी हैं, so बहुत अच्छा है, काफ़ी unique combination है, so बहुत मज़ा आ रहा है। डांस शो का हिस्सा बनना चाहिए। जी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा था जब जिस तरह से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर अस। My God, okay. Hi. Oh, hello. So many of them, yeah. Superb. मैं बहुत दुखी हूँ। Yes, exactly. मेरे भी expressions ऐसे ही थे। Because I'm not a part of it and galat time par single hu, that's the reason I'm not a part of it, but I was like shit yeah, I wish I wasn't single, but I wanted to do Nach Baliye, offer bhi tha, sab kuch tha, but Baliye nahi tha, so I was like, so I'm happy for the people who are a part of it, of course I'm happy for SKTV and Bani Jai, and yeah, I'm not happy for myself though. पता नहीं यार, बट हाँ आई वॉन्ट टू, बट देन आई एम अ वेरी बैड डांसर, मतलब मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे फाइनली, बॉस को ने मुझे बोला यू आर अ वेरी नाइस गर्ल बट प्लीज डोंट डांस, सो आई एम दैट बैड डांसर, बट या आई वॉन्ट टू डू नच बलिए, मे बी नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। आई एम सॉरी, मैंने अभी तक सब कंटेस्टेंट्स मुझे नहीं पता कौन है, बट येस फैजल इज़ डूइंग रियली वेल, ही इज़ अ नाइस डांसर, एंड उसका एक्ट देखा था मैंने, उसका रिहर्सल देखा था, सो न
not that I'm supporting someone, but may the best one win. Yes, waiting for Prasannam, and it's releasing on 28th September, fingers crossed. And that's it. Thank you. Thanks.